गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। मैं रोहित चौधरी, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्ट्सपुरा, आज का न्यू यूनिट सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आपको पता है कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हम 4 यूनिट कर चुके हैं एंड द लास्ट यूनिट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री। इसकी टोटल वेटेज है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 4 मार्क्स। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सरफेस केमिस्ट्री ऑन सरफेस, देन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड देन एंजाइम कैटालिसिस। सो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना ओकरिंग एट द सरफेस आर इंटरफेस, दैट इज एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू बल्क फेसेस। मतलब वो केमिस्ट्री जो कहाँ पे हो, जहाँ वो फिनोमिना जो कहाँ पे हो, किसी सरफेस के ऊपर हो या उस बाउंड्री के ऊपर जहाँ पे दो बल्क फेसेस को सेपरेट किया जाता है, उस केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। एडजॉर्प्शन, ये जो फिनोमिना है किसी भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना और रिटेन करके रखना, ताकि सरफेस के ऊपर जो लिक्विड जो सॉल्वेंट सरफेस है उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और बल्क में कंसंट्रेशन क्या हो? कम। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के लिए 2 चीज़ें जरूरी होती हैं, एक एडजॉर्बेंट एक एडजॉर्बिट। वो सॉइलेट सब्सटेंस जिसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस अक्कर होता है उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट, और वो सब्सटेंस जो एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल, फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल के पास टेंडेंसी होती है कि बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस लाइक एल्यूमिनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन दिस केस, कि वो चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब करवा सके, कि वो उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाती। तो मतलब चारकोल कैसे एक्ट कर रहा है? एस एन एडजॉर्बेंट, और आपके गैस मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं एस एन एडजॉर्बेट। सो एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक सॉइलिड की सरफेस के ऊपर किसी मॉलिक्यूल का एडजॉर्ब होना, सिर्फ सरफेस पे ही रहे, उसके भीतर ना जाएं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। जब हम किसी मेटल की सरफेस के ऊपर गैसेस का एडजॉर्प्शन करवाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकल्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है डिजॉर्प्शन। जैसे मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स के एडजॉर्ब करवाने के प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं, उसी प्रकार मॉलिक्यूल की सरफेस से सॉलिड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन द फिनोमिना इन विच एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन एक साथ हो, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। सो एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जो कहाँ अक्कर होता है? ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है जो कहाँ अक्कर होता है? थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटीरियल। ये वो फिनोमिना है जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट वो ज़्यादा होती है देन इन द बल्क, लेकिन जहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी चाहे सरफेस पे हो चाहे पूरे भीतर तक हो उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। इट्स रेट इज हाई इन द बिगनिंग एंड देन डिक्रीजेस, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए इसका रेट रहता है सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। एडजॉर्प्शन आगे 2 तरह का होता है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। जब पार्टिकल्स एडजॉर्बेट के हेल्ड होते हैं टू द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, यानी कि आपके सॉइलेट की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स और सॉइलेट सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक वीक फिजिकल फोर्स है, जैसे कि आपकी वंडरवाल फोर्स, ऐसे एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। और पूरे फिनोमिना को क्या बोलेंगे? फिजोजॉर्प्शन, जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन चारकोल। केमिकल एडजॉर्प्शन, जो पार्टिकल्स आपके एडजॉर्बेट के जब हम सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेंट के ऊपर हेल करें
बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स द फिनोमिना को क्या कहते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमो एडजॉर्प्शन, जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन टंगस्टन। आगे एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, जैसे हमने कहा फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, जो फोर्स होंगी एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, वो आपकी एक बिग फिजिकल फोर्स है जैसे कि वैन डेर वाल्स फोर्स। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स है, जैसे आपकी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बहुत कम होती है, 20 टू 40 किलो जूल मोल स्पेस, लेकिन जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, 200 टू 400 किलो जूल मोल इनवर्स। फिजिकल एडजॉर्प्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होती है नेचर में, केमिकल एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है कि वो किसी भी तरह के सॉलिड सरफेस पे हो सकती है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन एक हाईली स्पेसिफिक है और कहीं होगी जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स। फिजिकल एडजॉर्प्शन सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स उस सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो सकेंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ द एडजॉर्बेंट होगा ओवर द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में बस एक ही यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी एडजॉर्बेंट की ओवर द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, जैसे आपका रस्टिंग का रस्ट। सो विद दिस टुडे लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन टू एडजॉर्प्शन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आपका फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।